वेलकम टू माय चैनल दीप्स किचन। आज मैं ब्लैक चने बना रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें 2 चम्मच के करीब 2 टेबलस्पून देसी घी जाएगा। आप रिफाइंड ऑयल में या आप जो लाइक करते हैं ऑयल उसमें भी आप बना सकते हैं, पर देसी घी में इसमें टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। आप बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने पिंच ऑफ जीरा लिया है, ये दाने वाला जीरा है, ये पिसा हुआ जीरा नहीं है, पूरा जीरा है ये। इसमें अगर आप पूरा जीरा डालेंगे तो अच्छा लगेगा, दाने वाला पिसा हुआ जीरा ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और साथ ही मैंने इसमें ये पिंच ऑफ हींग लिया है। इसके बाद मैं इसमें ये मेरी ग्रीन चिली है एक, इसको मैं हल्के से रोस्ट कर लूंगी। ये मैंने ग्रीन चिली जो रखी है इसको मैं हल्के से रोस्ट करूंगी, जिससे कि इसमें ये फ्लेवर आ जाए जिंग और हींग का। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें बेल आइकन है वो भी प्रेस करिए, ताकि आपको मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आप सबको सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियोस एंजॉय करें। और मेरी रेसिपीज को प्लीज ट्राई जरूर करिए, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी होती है और बहुत क्विक बन जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको बनने में। यहाँ पे मैं अब ग्रीन चिली डालूंगी, एक स्मॉल ग्रीन चिली लिया मैंने, और साथ में लहसुन अदरक लिया है 1/4 टेबल स्पून लहसुन है, 1/4 टेबल स्पून अदरक है, और एक स्मॉल ग्रीन चिली हरी मिर्ची ली है बारीक कटी। इनको मैं अच्छे से भून लूंगी। इनको भूनने के बाद फ्रेंड्स, मेरा ये अदरक लहसुन जो है वो मेरा भुन गया है। अब इसमें मैं एक छोटा प्याज ये भी मैं भून लूंगी इसमें साथ में। फ्रेंड्स, इसको स्लाइटली ब्राउन होने तक हम लोग भूनेंगे। अब इसमें मैं 2 पिंच ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च, साथ ही मैं इसमें 2 पिंच के करीब ये रेड चिली जाएगी, लाल मिर्ची 2 पिंच डाली है मैंने, 2 पिंच के करीब यहाँ पे गरम मसाला जाएगा। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है इनमें। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरे ब्लैक चने हैं वो इसमें डाल दूंगी। ब्लैक चने, काले चने मैंने 1 कटोरी लिए हैं काले चने, ये इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मैं इसको अच्छे से भून लूंगी, जिससे कि मेरा जितना भी मसाला है वो चनों में मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अभी मैं जितना भी मसाला इसमें भूना है वो मैंने मीडियम टू स्लो फ्लेम में बनाया है। अब मैंने इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी मीडियम टू हाई फ्लेम कर दिया है, जिससे कि ये अच्छे से सारा मसाला इसमें भूने और इसमें जितना भी मसाला है वो प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसकी फ्लेम बंद कर दी है। अब इसमें मैं 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला डालूंगी, साथ ही मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट डालूंगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम डाल सकते हैं। ये देखिए कितने टेस्टी बन गए हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। फ्रेंड्स, अगर इसमें आप ग्रेवी वाले पसंद करते हैं, ग्रेवी अगर खाना पसंद करते हैं इसमें, तो आप इसमें, मैंने गरम मसाला नहीं डाला है, सॉरी। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसको ग्रेवी वाले रखने हैं तो इसमें आप थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के और आप इसमें ग्रेवी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिसमें कि इसमें मिक्स करने के लिए चनों में, और साथ ही मैं अब इसमें नींबू का रस डालूंगी, जिससे कि ये और टेस्टी लगे। ये देखिए,
कितना अच्छा बन के आया। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। ये देखिए मैं इसमें हरा धनिया भी डाल रही हूँ, ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये देखिए। और साथ ही मैंने जो ये हरी मिर्ची स्टार्टिंग में फ्राई करी थी मसाले में, नमक उसमें हींग और जीरे में, वो भी मैं यहाँ पे इधर डेकोरेट कर रही हूँ, ये देखिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे काले चने बनके तैयार हैं। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खाने में भी खा सकते हैं आप। सबको, बच्चों को, सबको बहुत टेस्टी लगेंगे। आप भी खाइए और सबको खिलाइए काले चने। थैंक यू, बाय।